Hello friends, good morning. Today I will tell the basic information on crop cutting and sampling in fruit crops. And मैं तन्मय कुमार कोले वरिष्ठ वैज्ञानिक इसके बारे में बताएंगे आप लोगों को क्या मैच्योरिटी इंडिसेस है. फ्रूट कलर मैंगो के लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है. जनरली मैंगो का अंदर की जो फ्लेश होता है उसका कलर येलो, डार्क येलो और ऑरेंज होता है. साथ साथ आम पकने के साथ साथ उसको आउटर जो पील है उसको भी कलर चेंज होता है. बट हमेशा ये सही नहीं होता है. कभी कभी कुछ वैरायटी जैसे आम्रपाली में अंदर फल पकने के बाद भी बाहर का स्किन कलर डार्क ग्रीन रहता है. तो हमेशा फ्रूट कलर पर्टिकुलर सरफेस कलर एक बहुत बड़ा मैच्योरिटी इंडिसेस नहीं है. तब सबसे ज्यादा रिलायबल जो मेथड है वो है फ्रूट सेव. आप इस साइड में देख रहे हैं जो इमैच्योर मैंगो है उसका जो शोल्डर है इसमें एक अच्छा प्रोमिनेंट ग्रोथ नहीं दिखाई देगा. बट जो मैच्योर है एक क्लियर कट शोल्डर, यहाँ देखिए जो पेडिसिल है ये दोनों तरफ शोल्डर दिखाई देते हैं. इसके बाद भी मैच्योरिटी के साथ साथ ये चीक पोर्शन है, ये चीक पोर्शन पे क्लियर कट एक फुलनेस आता है जो हर वैरायटी के लिए लागू है. राइपनिंग चार्ट फॉरेन इवन इंडिया का कुछ क्रॉप में डेवलप हुआ वो बहुत प्रैक्टिकल हो सकता है. जैसे अल्फांसो और बंगनपोली के लिए ये डेवलप हुआ है. यहाँ देख सकते हैं आप पार्शियली राइप और राइप ये दोनों स्टेज में अगर हार्वेस्ट करेंगे ये राइट आपको एक्चुअल डेटा आप दे सकते हैं. बट उसके पहले अगर अर्ली राइप स्टेज में हार्वेस्ट करेंगे उसमें एग्जैक्ट वेट भी कम होगा, राइटली राइपनिंग होगा नहीं. तो राइपनिंग चार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो सकता है. फॉर बिहार कंडीशन देयर आर वेरी मेनी वैरायटी. जैसे आपको जर्दालू है, यहाँ लैंगड़ा जिसको मालदा नाम से जाना जाता है इसके ऊपर शोध करने का जरूरत है. राइपनिंग चार्ट एक बहुत इजी टेक्नोलॉजी हो सकता है फार्मर्स के लिए. यूरोपियन मार्केट में आप अगर मैंगो एक्सपोर्ट करने जाएंगे वहां आउटसाइड कलर नहीं बल्कि अंदर जो फ्लेश कलर को दिखा जाता है. यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं जो इफ अगर ये जो फ्रूट अगर इमैच्योर है सफेद वाला अंदर का पल्प का कलर है ये नॉट अलाउड होता है. इवन हल्का लाइट येलो से भी ये अलाउ नहीं करते. जब मैच्योर फ्रूट में एक डार्क येलो तैयार होता है ये अलाउड है. बट ओवर राइप फ्रूट भी यहाँ अलाउ नहीं है. तो हमारा इस तरह स्टैंडर्ड इंडियन फ्रूट्स में जरूरी है. तो आप देख सकते हैं मैंगो के लिए ये डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स है. उसमें मैच्योरिटी सबसे ज्यादा रिलायबल मेथड है फुलनेस ऑफ चीक एंड डेवलपमेंट ऑफ शोल्डर. अभी सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहार के लिए क्रॉप है वो है लीची. पूरा भारत में सबसे ज्यादा लीची बिहार में प्रोड्यूस होता है बिकॉज इसका एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट है जो बिहार में मिलता है. लीची हार्वेस्टिंग में दिखा जाते हैं अगर लेफ्ट साइड में आप देखेंगे ये है एकदम ग्रीन फ्रूट, एक में कलर ब्रेक हल्का कलर डेवलप हो रहा है और एकदम रेडी टू हार्वेस्ट जो मैच्योर फ्रूट बोलते हैं. तो इसमें जो केमिकल मेथड है TSS एसिड रेशियो आप देखेंगे 2:1 जो रहते हैं इमैच्योर फ्रूट्स में. जब एक मैच्योर फ्रूट्स होता है ये 30:1. सो इन दैट कंडीशन में क्या होता है अच्छा कलर डेवलप हो जाते हैं. साथ में ये जो इसका ट्यूबरकल होता है आप ऊपर में देख सकते हैं क्लियर कट जो ये ट्यूबरकल है फ्लैट हो जाते हैं तो एक स्मूथ अपीयरेंस आते हैं लीची में. तो यही माना जाता है ये मैच्योरिटी हो गया रेडी टू हार्वेस्ट हुआ. सिंस लीची एक नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट्स है इसमें अगर मैच्योरिटी के पहले आप हार्वेस्ट करेंगे आप इथिलीन से इसको पका नहीं सकते जो कि ना मैंगो और पपाया के लिए हो सकते हैं. तो हार्वेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट.
फॉर क्रॉप कटिंग टेक्नोलॉजी लीची के लिए बहुत इजी है क्योंकि लीची एक ही बार हार्वेस्ट होता है, जनरली एट ए टाइम पूरा प्लान का हार्वेस्ट हो जाता है। सो क्रॉप कटिंग सीजन में सालों में एक बार लीची में इजीली आप इंटरप्रिट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम इम्पोर्टेंट जो क्रॉप है बिहार का, जो है बनाना। बनाना हमारा जो मार्केट में होता है डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड का होता है, बट हमको हमेशा याद रखना चाहिए जो कॉमर्शियली कौन सा स्टेज सूटेबल है। आप अगर देखेंगे हमारा जो बिहार की कंडीशन है, ये जो फोर्थ स्टेज में जनरली हार्वेस्ट होता है, अनराइफ होता है, बट ये पूरा एक फिंगर फूल होता है, राउंड शेप हो जाता है, यही होता है इसका सबसे बड़ा पैरामीटर हार्वेस्टिंग डिसेस। बट कभी कभार अगर देश घर में यूज करने के लिए पूरा फाइव स्टेज यूज करते हैं। इसके बाद आते हैं गुआवा, जो बिहार में एक इम्पोर्टेंट क्रॉप है। गुआवा मोस्टली जो सिस्टेमेटिक ऑर्चर्ड है, आजकल बिग साइज गुआवा का होता है, वहां दिखा जाए गया जो 14 वीक्स से 15 वीक्स के शुरुआत तक जो गुआवा है ये आपको मैच्योर हो सकता है और ये मार्केटेबल होता है। अभी एक चीज हमेशा ध्यान देना चाहिए, ये क्लाइमेट के हिसाब से वेरी करते हैं। सो गुआवा के लिए कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन तो नहीं है, लेकिन ये टोटली एक्सपीरियंस के ऊपर से आपको मैच्योरिटी इंडिसेस दिखा जाते हैं। और भी इम्पोर्टेंट एक क्रॉप है बिहार के कंडीशन में, वो है पपाया। पपाया जनरली जो ग्रीन वेजिटेबल पर्पस में खाते हैं, कभी कभी राइप खाते हैं। बिहार में वंस टाइम सबसे ज्यादा एरिया कवर होता था, रिसेंटली इसका व्हाइट फ्लाई के वजह से इसका एरिया घट गया है। आप यहाँ अगर देखेंगे जो इस ग्रीन अनराइप स्टेज में अगर पपाया को आप हार्वेस्ट करेंगे, ये आपको मैच्योरिटी सही मैच्योरिटी इंडिसेस नहीं है फॉर योर एनी फ्रूट पर्पस। बट स्टेज वन और स्टेज टू में क्या होता है, इसमें आपको एक्सटर्नली ग्रीन कलर होता है और हल्का येलो स्ट्रिप देखते हैं। ये दोनों स्टेज जो होता है, आप इफ यू कट द पपाया तो इसमें एक्सपोर्ट के लिए सूटेबल होता है। और साथ में ये थर्ड जो स्टेज है जहाँ हल्का येलो स्ट्रिप दिखाई देते हैं और ये लोकल मार्केट के लिए ज्यादा सूटेबल है। सो ये पपाया एग्जैक्ट मैच्योरिटी बहुत डिफर करते हैं क्योंकि अलग अलग वैरायटी में अलग अलग होता है, लेकिन एक चीज क्लियर होता है, जब डार्क ग्रीन कलर से लाइट ग्रीन कलर हुआ तब ये रेडी टू राइपन हो जाते हैं। एंड ऑन दैट स्टेज आपका इसका जो ब्लूजमेंट, जो एक पॉइंट को ब्लूजमेंट बोलते हैं, हल्का येलो कलर आता है और स्टिक डेवलप होते हैं, यही होता है एग्जैक्ट मैच्योरिटी इंडिसेस पपाया। अच्छा, पपाया जो जब आप क्रॉप कटिंग में करने जाएंगे, वहां एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देने का जरूरत है, वो है जो एक सीजन में आप कितना हार्वेस्ट कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर टाइम में आप एक बार हार्वेस्ट किया, अनलाइक मैंगो और गुआवा लीची, इसमें पपाया में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है थ्रू आउट द ईयर इसका क्रॉप होता है। सो एक टाइम से आपको मैच्योरिटी इंडिसेस से आप टोटली क्रॉप कटिंग का रिजल्ट नहीं सकते। तो दोस्तों, ये मेरा था इनिशियल एक डिस्क्रिप्शन था, कैसे मैच्योरिटी इंडिसेस डेवलप करेंगे, कैसे आप जानेंगे। तो कैसा लगा हमारा ये प्रेजेंटेशन, इफ यू लाइक, आपको अगर अच्छा लगे तो हमारा चैनल को देखिए, वीडियो को आपका दोस्त के बीच में शेयर करिए और नेक्स्ट टाइम हमारा जो सेकेंड पार्ट है उसको आपका बहुत जल्दी लाएंगे, उसको भी देखिए और हमारा ये चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।